नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी। मैं हूं हरीश और आज हम आप लोगों के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगला टॉपिक लेकर आए हैं कंप्यूटर का, जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स में से एक है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताऊंगा, इसके बाद मैं इंटरनेट और नेटवर्क और से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं वो और बताऊंगा, वो टॉपिक्स पूरे क्लियर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या और ये कितने प्रकार की होती है। तो ऐसी लैंग्वेज जिसके माध्यम से कंप्यूटर के अंतर्गत प्रोग्राम बनाए जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। सीधी सी डेफिनेशन, ऐसी लैंग्वेज जिसके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम बनाए जाते हैं और कोई भी कार्य किया जाता है तो वो क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरली दो प्रकार की होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ये सबको जनरली पता होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरली दो प्रकार की होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, इसको समझने की बात करते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंतर्गत जीरो और वन का यूज किया जाता है, उसे कहते हैं हम लो लेवल लैंग्वेज। ओके, तो लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत जीरो वन का उपयोग किया जाता था और ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहली है जो हमारी, वो है मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज और दूसरी है आपकी असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत दो प्रकार की लैंग्वेज आती हैं, एक तो मशीन लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज कह लेंगे और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। यानी लो लेवल लैंग्वेज में 01 का उपयोग किया जाता था और 01 का उपयोग इन दोनों लैंग्वेज में भी किया जाता है। यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में भी 01 का उपयोग किया जाता है और असेंबली लैंग्वेज में भी 01 का उपयोग किया जाता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, 01 का उपयोग किया जाता है, केवल 01 का उपयोग किया जाता है। ओके, ऐसी लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं और मशीन लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत सभी प्रकार की कोडिंग को पल्स और नो पल्स के रूप में किया जाता है। पल्स और नो पल्स क्या होती हैं, देखो पल्स के रूप में जीरो की कोडिंग की जाती है और नो पल्स के रूप में वन की कोडिंग की जाती है। तो ये इस प्रकार से मशीन लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंतर्गत पल्स और नो पल्स के रूप में कोडिंग की जाती है, जीरो और वन के रूप में कोडिंग की जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। और मशीन के नाम से स्पष्ट हो जाता है, ऐसी लैंग्वेज जो मशीन के समझ में आए, हमें बीच में कोई ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत ना पड़े, तो ऐसे लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज। इसके लिए हमें किसी भी ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीन लेवल लैंग्वेज को ही समझता है, यानी जीरो और वन को ही समझता है। और ये बहुत टफ होती है, ये सबके लिखने की बात नहीं होती, कोई इसको प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान नहीं होता, बहुत टफ होता है। और ये जो लैंग्वेज है वो फर्स्ट जनरेशन में डेवलप हुई थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रथम जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इसके हम यदि एडवांटेज माने तो इसके एडवांटेज क्या हो जाएंगे, देखो इसमें कोई भी प्रोग्राम लिखा रहेगा वो बहुत फास्ट रहेगा, क्यों, क्योंकि उसमें ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ी है, इसलिए इसमें कोई भी जो प्रोग्राम लिखेंगे हम तो बहुत फास्ट रन होगा। ओके, और इसके अंतर्गत क्या है कि मेमोरी का अच्छा यूज हो जाता है। ओके, लेकिन ये अब इसके डिसएडवांटेज क्या हो जाएंगे, ये सबके बस की बात नहीं है, 01 में कोडिंग करना कोई आसान बात है क्या, सबके बस की बात नहीं है। ओके, और जब इसमें हमें मॉडिफिकेशन करना होगा तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो इस प्रकार के इसके डिसएडवांटेज काफी हैं और एडवांटेज भी काफी हैं। ओके, तो अगली बात करते हैं हम असेंबली लैंग्वेज की। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, ऐसी लैंग्वेज जिसके लिए कुछ स्पेशल सिंबल का उपयोग किया जाता था, मतलब जब इस प्रोग्रामिंग को करते थे तो 01 का उपयोग तो किया जाता था, ये तो है ही है, इसीलिए तो इसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन बीच बीच में इसमें क्या कर दिया जाता था, जैसे सम, फिर 01,
10 ये लिखा और फिर कर दिया हमने ऐड। तो इस प्रकार से कुछ सिंबल का उपयोग किया जाता था, तो इन सिंबल को उपयोग करने के कारण इसको क्या कहा जाता था, असेंबली लैंग्वेज। सबसे पहली मशीन लेवल लैंग्वेज बनी तो इसको समझ पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए फिर उसको थोड़ा सा अमेंडमेंट किया और असेंबली लैंग्वेज को डेवलप किया। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ कि 01 का उपयोग तो किया लेकिन उसके साथ कुछ स्पेशल सिंबल का भी उपयोग कर लिया, इसलिए इसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज, सिंबल का उपयोग कर रहे हैं। ओके, तो अब प्रॉब्लम कि अब भाई इन सिंबल को तो कंप्यूटर नहीं समझता, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ 01 को समझता है, तो वो क्या करना पड़ेगा, अब हमें इनको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा 01 के रूप में। ओके, तो इनको कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत पड़ी जिसका नाम था क्या, असेंबलर। ओके, एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत पड़ी जिसका नाम था असेंबलर, जो क्या करता था, असेंबली लैंग्वेज को क्या कर रहा था, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्टर। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो इसका सही आंसर है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ओके, तो इस प्रकार से अब असेंबली लैंग्वेज में लिखने की एडवांटेज क्या होंगे, तो इसके एडवांटेज क्या होंगे कि अब प्रोग्राम को समझ पाना थोड़ा सा आसान हो गया। ओके, दूसरा क्या हो गया कि अब इसको एडिट करना भी थोड़ा सा आसान हो गया, लेकिन अब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि इसमें लिखे गए प्रोग्राम अब फास्ट नहीं चलेंगे क्योंकि इसमें हमें कन्वर्टर की जरूरत पड़ गई। ओके ओके, और इसके अलावा असेंबली लैंग्वेज, और इसमें एक एडवांटेज और क्या हो गया कि इसमें एरर को फाइंड करना थोड़ा सा आसान हो गया। ओके, कोई भी एरर को फाइंड करना आसान हो गया, और इसमें टाइम की प्रोग्राम को बनाने के समय काफी समय की बचत होने लगती है। ओके, और प्रोग्राम आसान हो जाता है। इसके बाद और इसके अंतर्गत जो प्रोग्राम ट्रांसलेटर का उपयोग करने के कारण इसका क्या है कि आकार थोड़ा बड़ा हो गया और टाइम भी लगेगा, ये तो मैंने बता ही दिया। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो इंग्लिश में लिखी जाती है, सीधी शब्दों में हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो इंग्लिश में लिखी जाती है, जैसे कि हम आज की जो जितनी भी लैंग्वेज है जैसे सी, जावा और ओरिकल, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। पहले क्या होता था, मशीन लैंग्वेज तथा असेंबली लैंग्वेज के अंतर्गत प्रोग्राम को बनाने में कई प्रकार की समस्या आती थी। ओके, तो प्रोग्राम को समझना और क्रिएट करना काफी कठिन कार्य था, प्रोग्राम बनाना संभव नहीं था। ओके, क्योंकि इसमें प्रोग्राम बनाने के लिए क्या किया जाता था, 01 का उपयोग किया जाता था, इसलिए हमें मशीन लेवल लैंग्वेज की जानकारी होना आवश्यक होती थी। तो इन्हीं समस्याओं को सॉल्व करने के लिए क्या किया कि हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार किया गया। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्राम के निर्देशों को लिखने के लिए या इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए 01 का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि संपूर्ण जो प्रोग्राम होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके लिखा जाता है। ओके, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है अब उसको ट्रांसलेट भी तो करना पड़ेगा। जैसे कोई भी प्रोग्राम लिखा हमने, तो प्रोग्राम चूंकि इंग्लिश में लिखा है तो हम जानते हैं कि मशीन क्या समझती है, मशीन क्या समझती है, केवल 01। ओके, तो हमें इस लैंग्वेज को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाने के लिए एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी जिसे बोलते हैं हम इंटरप्रेटर। क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर। और एक दूसरा ट्रांसलेटर प्रोग्राम है कंपाइलर। तो ये दो ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो क्या करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज को काय में मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इन दोनों ट्रांसलेटर की वजह से ही हम अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचा पाते हैं। अब समझते हैं हम इंटरप्रेटर क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है। तो इंटरप्रेटर क्या होता है, ये कई एग्जाम में पूछा गया हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरप्रेटर क्या करता है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, ये भी वही करता है कि जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा प्रोग्राम है उसको क्या करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मान लिए THIS दिस लिखा,
तो ये किसको 01101 इस रूप में कन्वर्ट कर देगा। हमने लिखा इंग्लिश में और ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या करेंगे, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है, एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है। यदि आपने सी प्रोग्रामिंग चलाई है तो उसमें आप जब ट्रेस करते हैं F7 के द्वारा, तो वो क्या करता है, हम एक एक लाइन को ट्रेस करते हैं, तो वो काम क्या होता है इंटरप्रेटर का, वही काम होता है इंटरप्रेटर का। ये क्या करता है, एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर, कंपाइलर क्या करता है, पूरे इस पेज को इकट्ठा कंपाइल कर देता है, ओके, और उसका रिजल्ट 0101 यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। यानी कंपाइलर क्या करता है, पूरे पेज को एक साथ कंपाइल कर देता है, एक साथ हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है कि एक एक लाइन को हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार से इन दोनों में डिफरेंस है, ओके। तो इस प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये चैप्टर खत्म हुआ। अब हम अगला चैप्टर लेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।